हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सपनों के शहर और यूएई के सबसे विकसित शहर दुबई के बारे में बताऊंगा। दुबई को दुनिया के सबसे अमीर और विकसित शहरों में से एक माना जाता है। दुबई अपनी दौलत, शोहरत और ऊंची ऊंची इमारतों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई का एरिया 4,144 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से 15% लोग मूल रूप से दुबई के निवासी है। बाकी के 85% लोग इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। दुबई का रिलीजन इस्लाम है और इसका पालन लगभग सभी दुबई के निवासी करते हैं। दुबई में चलने वाली करेंसी दिरहम है, जो भारत के 19 रुपये के बराबर है। आज मैं आपको दुबई से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं दुबई के बारे में कुछ अमेजिंग और कुछ नया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं ग्रेट फैक्ट्स। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक अमीरात है, जिसके नियम कानून अन्य 6 अमीरातों से अलग है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। लेकिन बुर्ज खलीफा पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ क्रिकारवर, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊँची है। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग जो 2020 में बनकर तैयार हो जाएगी, और उस समय ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची बिल्डिंग भी यही होगी। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि 1960 से पहले दुबई कुछ नहीं था सिवाय एक रेगिस्तान के, मगर 1960 में यहां तेल की खोज हुई और उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुआ, और सिर्फ 50 सालों में ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा। और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि दुबई इतना अमीर होने की वजह है वहाँ पर पाया जाने वाला बेशुमार तेल, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था में केवल 6% पैसा तेल से आता है और ज़्यादातर इनकम रियल एस्टेट और टूरिज्म के बिजनेस से आती है। सन 1960 में दुबई में सिर्फ एक ही गगनचुम्बी इमारत थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मगर इस वक्त दुबई में 156 गगनचुम्बी इमारत है और टोटल 911 ऊँची इमारत है। और इसके अलावा जो अभी बन रही है वो अलग, दुनिया के ज़्यादातर क्रेन दुबई में ही मौजूद है। तेजी से चलते निर्माण के कार्य के कारण दुनिया की 20% क्रेन दुबई में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 862 मीटर है और उसमें 164 फ्लोर है। दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहने वाले लोगों के मुकाबले रमजान में रोज़ा 2 मिनट बाद खोलना होता है, क्योंकि उन्हें सूरज 2 मिनट देर तक दिखाई पड़ता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। जुमे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से वीकेंड सैटरडे संडे की बजाय फ्राइडे संडे को कर दिए गए। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक कुछ अलग है। वो लोग कुत्ते और बिल्ली को पालने से ज़्यादा शेर और चीते को पालना पसंद करते हैं। आपने डिज्नी लैंड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नी लैंड से भी 2 गुना बड़ा है। ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी अनुमान है कि उस समय का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर्स है। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में आप बर्फ से स्कीइंग का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ इतना सोने का व्यापार हुआ था कि वो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। दुबई में ऐसे ATM भी मौजूद है जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की मशीन बनाई जिसे गोल्ड ATM कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में ही लगाया गया। यह पहली ऐसी मशीन थी जिसमें 24 कैरेट सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्के और ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीज़ें निकलती है। कस्टमर इसका यूज़ कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ ATM से निकाल सकते हैं। दुबई दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके निवासियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई में क्राइम रेट 0% है, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू है, इसलिए दुबई को विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में माना जाता है। दुबई में घर में बैठकर शराब पीने पर भी लाइसेंस लेना जरूरी है,
बिना लाइसेंस के आप ना तो शराब पी सकते हैं और ना ही घर में शराब रख सकते हैं। दुबई में 2009 में मेट्रो चलाई गई, जिसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ 18 महीनों में कंप्लीट हो गया था। 18 महीनों में यहाँ पर 42 स्टेशन बना दिए गए थे। दुबई में केवल बिल्डिंग ही नहीं बल्कि बस स्टॉप पर भी एयर कंडीशन लगे होते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी पिन कोड या जिप कोड नहीं है। अगर दुबई में आपको किसी भी एड्रेस पर पहुँचना है तो आपको उस जगह के आसपास वाली किसी बिल्डिंग या होटल का नाम बताना पड़ेगा। दुबई के लोग कार्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी महंगी कारें अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगी तो वो सिर्फ दुबई में ही है। दुबई में स्पोर्ट्स कार की भी भरमार है, इसलिए यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी वेरोन जैसी गाड़ियाँ होती है। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का। जब कभी भी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहाँ सिर्फ सुपर कार्स की लाइन दिखाई पड़ती है और दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है बुर्ज अल अरब। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है और ये दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल है। इस होटल का एक दिन का किराया लगभग 13 लाख है। दुबई का द पाम ऑफ जुमेरा इंसानों द्वारा बनाया गया दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुबई के पास सबसे बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन का भी रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये थे दुबई से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।